हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं स्टोरी है एनिमल फार्म की। एनिमल फार्म की स्टोरी इस वीडियो में लेकर आए हैं। और स्टोरी से पहले यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं एनिमल फार्म के, वो मेन पॉइंट्स पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम करेक्टर्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद स्टोरी है। स्टोरी पिक्चराइजेशन वे में यहाँ पर हमने शो की है, उस तो थोड़ा सा पिक्चराइजेशन से समझने में आसानी रहती है। तो कुछ मेन पॉइंट्स पहले हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो एनिमल फार्म इज़ रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। एनिमल फार्म जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। इट वॉज़ पब्लिश इन अगस्त 1945 में लिखा गया था। इट इज़ अ डिस्टोपियन नोवेला। डिस्टोपियन नोवेला है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन एलेगरी, जो कि एलेगरी के फॉर्म में है। इट इज़ अ पॉलिटिकल एलेगरी ऑफ रशियन कम्युनिज्म। ये पॉलिटिकल एलेगरी है रशियन कम्युनिज्म की, यानी कि रशिया की जो पॉलिटिक्स है उसको दिखाया गया है यहाँ पर। इट रेफर्स टू द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1917 का जो रेवोल्यूशन पीरियड था उसको रेफर करता है ये। ओल्ड मेजर ऑफ द एनिमल फार्म इज कार्ल मार्क्स ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। जो इसमें ओल्ड मेजर का करेक्टर दिखाया गया है एनिमल फार्म में, वो कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। जोन्स इज द लास्ट ज़ार ऑफ रशिया निकोलस सेकेंड। जोन्स जो है वो रशिया निकोलस सेकेंड के लास्ट ज़ार हैं, इसमें दिखाए गए हैं। जो द बैटल ऑफ काउशेड बिकम्स द रशियन सिविल वॉर, जो रशियन सिविल वॉर है उसको यहाँ पर दिखाया गया है बैटल ऑफ काउशेड के रूप में। द मीटिंग ऑफ द पीक्स एंड फार्मर्स रिमाइंड द तेहरान कॉन्फ्रेंस 1943। जो यहाँ पर मीटिंग दिखाई गई है पिक्स की और फार्मर्स की, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है तेहरान कॉन्फ्रेंस को जो 1943 में हुई थी। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं एनिमल फार्म के। तो फर्स्ट है इसमें नेपोलियन। नेपोलियन जो है वो एनिमल फार्म का लीडर बनता है स्नोबॉल के डिपार्चर के बाद में, और वो रिप्रेजेंट करता है जोसेफ स्टालिन को। स्नोबॉल जो है वो एक्टिव लीडर है, और वो जो 7 कमांडमेंट्स होते हैं एनिमल्स के उनको वो इन्वेंट करता है, और जो विंडमिल का आइडिया भी है वो भी स्नोबॉल का ही है। यहाँ पर स्नोबॉल ट्रोट्स्की को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट करेक्टर है मेजर का, जो कि एनिमलिज्म का फादर है, जिन्होंने ड्रीम दिया था, ड्रीम अपना बताया था कि वो क्या चाहते हैं। वो बिगनिंग में ही उनकी डेथ हो जाती है, और वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कार्ल मार्क्स को। स्क्वीलर है, जो कि स्पीकर के रूप में वर्क करता है, और वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रशियन मीडिया को। बॉक्सर हार्ड वर्कर है, वो फॉलो करता है कि वो हार्ड वर्क करेगा, नेपोलियन ऑलवेज राइट है ऐसा वो मानता है, और वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है रशियन वर्किंग क्लास को। क्लोवर है, फीमेल काउंटर पार्ट है बॉक्सर की, वो बॉक्सर की हेल्प करती है और उसकी देखभाल करती है। मॉली एक मेयर है, जिसे सुगर और रिबन्स काफ़ी पसंद हैं, और वो कुछ भी काम करना नहीं चाहती है, और वो रिप्रेजेंट करती है रशियन अपर मिडिल क्लास को। इसके बाद इसमें 9 पपीज़ हैं, जो नेपोलियन के बॉडीगार्ड होते हैं, नेपोलियन जिन्हें ट्रेन करता है। वो स्नोबॉल को टेरिफाई करते हैं, और भी बाकी जो ह्यूमंस होते हैं उन्हें भी टेरिफाई करते हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टालिन के सीक्रेट पुलिस को। मोजेस है, मिस्टर जोन्स का पैट है, जो रिप्रेजेंट करता है ऑर्थोडॉक्स रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च को। मिस्टर जोन्स जो कि फार्मर हैं और मैनर फार्म के ओनर भी हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं निकोलस सेकंड को, द ज़ार ऑफ रशिया। मिस्टर पिलकिंगस्टन जो नेबरिंग फार्म के ओनर हैं, मिस्टर फ्रेडरिक वो भी नेबरिंग फार्म है पिंचफील्ड उसके ओनर हैं, और मिस्टर विम्पर जो एक सॉलिसिटर हैं, और वो इंटरमीडिएटरी के रूप में काम करते हैं बिटवीन एनिमल फार्म और ह्यूमन बींग्स के, और वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्लास को। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं मेजर एनिमल फार्म के। आइए इसके बाद हम इसकी स्टोरी देखते हैं। ध्यान से स्टोरी को देखिएगा और सुनिएगा। ये मैनर फार्म है, इसके ओनर मिस्टर जोन्स हैं। यहाँ पर एक पिग है जो प्राइज़ विनिंग है, उसे ओल्ड मेजर कहा जाता है, जो कि एक सीक्रेट मीटिंग बुलाता है, और उस मीटिंग में सभी एनिमल इकट्ठा होकर आते हैं। वो उन एनिमल से सभी से अपना एक ड्रीम शेयर करता है, जिसमें
वो कहता है कि जो मैन है, मीन्स ह्यूमन बीइंग जो है, वो सभी उनके एनिमी हैं, दुश्मन हैं। मैन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता, वो बस हमें एक्सप्लॉइट करता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मैन को वहाँ से भगा दें, यानी कि मैन को अपने ऊपर रूल ना करने दें, तो हम जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ अपने लिए ही करेंगे। मैन क्या करता है, केवल उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। वो एनिमल जो है वो हार्ड वर्क करते हैं और इससे मैन की लाइफ कंफर्टेबल होती है। तो फिर वो चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर इस ह्यूमन रेस को यहाँ से भगा दें, मीन्स उसके अत्याचार से हम मुक्ति पा लें। तो वो जो अपना ड्रीम है वो सभी एनिमल्स को शेयर करता है और उस ड्रीम में वो कहता है कि हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए इस ड्रीम को सच करने के लिए, जिससे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग हमें ऑप्रेस ना कर सके। और इसके बाद वो एक सॉन्ग उन्हें सिखाता है जिस सॉन्ग का नेम है बीस्ट ऑफ इंग्लैंड। और उसके 3 दिन बाद लगभग जो ओल्ड मेजर है जिसने ये मीटिंग बुलाई थी, जिसका ये ड्रीम था, वो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो ड्रीम था ओल्ड मेजर का, उसका इफ़ेक्ट काफ़ी पड़ता है एनिमल्स के ऊपर। वो बस एक मौके की तलाश में होते हैं कि किस तरीके से वो मिस्टर जोन्स के जो अत्याचार हैं उनसे वो छुटकारा पा सके। तो यहाँ पर 2 मेन पिक्स हैं जिनका नेम है स्नोवॉल और नेपोलियन। वो क्या करते हैं, वो मतलब मेन है इसलिए वो प्रिंसिपल्स को लागू करते हैं, सिद्धांतों को लागू करते हैं, रूल्स बनाते हैं, सभी को जो जितने भी एनिमल्स हैं उनको सिखाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, क्योंकि उनको ज़्यादा वाइज समझा जाता है, बुद्धिमान समझा जाता है सभी एनिमल्स में। तो वो अब गाइड करते हैं सभी एनिमल्स को। तो उनकी जो फिलॉसफी है जो वो बनाते हैं सभी एनिमल्स के लिए, उसको एनिमलिज्म कहा गया। एक दिन क्या होता है, एक दिन मिस्टर जोन्स काफ़ी ड्रिंक कर लेते हैं और नशे की वजह से वो एनिमल्स को फीड कराना भूल जाते हैं। और क्योंकि एनिमल्स बहुत हंगरी होते हैं तो वो रिवोल्ट करते हैं, वो अपने हंगर को सहन नहीं पाते हैं तो वो उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट करते हैं। एक काऊ जो है वो स्टोर जो शेड होता है जिसमें खाना उनका स्टोर रहता है, उसके डोर को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, और सभी एनिमल्स उसमें एंटर हो जाते हैं। उनको जो कुछ भी मिलता है वो उसे खा लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। और जब मिस्टर जोन्स अपने आदमियों को लेकर वहाँ पर आता है तो जो जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी उसके अगेंस्ट जाकर उसको यहाँ से भगा देते हैं, उसको हरा देते हैं और उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। और जब वो भाग जाते हैं वहाँ से, तो जो फार्म का नेम था बैनर फार्म, जो कि मिस्टर जोन्स का था, अब उस फार्म का नेम चेंज कर दिया जाता है और उसका नेम रख दिया जाता है एनिमल फार्म। अब एनिमल सभी फ्री हैं, वो जो भी काम करेंगे वो अपने लिए करेंगे, मिस्टर जोन्स को उन्हें फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो अब एनिमल्स के लिए नए रूल बनाए गए हैं और वो जो 7 रूल्स उनके लिए बनाए गए हैं, वो रूल बनाए गए हैं। पहला रूल है कि वट एवर गोज़ अपॉन 2 लेग्स इज़ एन एनिमी, यानी कि जो भी 2 लेग्स पर चलता है वो उनका एनिमी है, दुश्मन है। सेकेंड रूल, वट एवर गोज़ अपॉन 4 लेग्स और हैज़ विंग्स इज़ अ फ्रेंड, कि जो कोई भी जो 4 लेग्स पर चलता है या जिनके विंग्स हैं वो उनके फ्रेंड हैं। थर्ड रूल उन्होंने बनाया कि कोई भी एनिमल क्लॉथ्स वियर नहीं करेगा। फोर्थ बनाया, नो एनिमल शैल स्लीप इन अ बेड, कि कोई भी एनिमल बेड पर नहीं सोएगा। फिफ्थ रूल था उनका कि नो एनिमल शैल ड्रिंक अल्कोहल, कोई भी एनिमल अल्कोहल ड्रिंक नहीं करेगा। और 6th रूल था उनका, नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, यानी कि कोई भी एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं मारेगा। और उनका 7th रूल था, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी एनिमल्स इक्वल हैं। ये 7 रूल्स अब बनाए गए थे एनिमल्स के लिए फॉलो करने के लिए। जो नेपोलियन और स्नोबेल थे, जो कि मेन पिग्स थे, वो अब राइवलरी फील करते हैं। वो जो स्नोबेल है वो एनिमल्स की कमिटी को कौन और उन्हें क्लासेस देना शुरू कर देता है, क्योंकि एजुकेशन अब ज़्यादा ज़रूरी है, एनिमल्स को सीखना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। नेपोलियन क्या करता है, सीक्रेटली यंग पपीज़ के जो ग्रुप है उसको ट्रेनिंग देता है, यानी कि यंग पपीज़ को वो ट्रेनिंग देता है नेपोलियन,
और सीक्रेटली वो उन्हें ट्रेनिंग देता है। एनिमल्स अब काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं लेकिन वो खुश होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अब अपने लिए काम कर रहे हैं, उन्हें अब अपने मास्टर के लिए काम नहीं करना है। तो वो काफ़ी केयरफुल भी उन्हें रहना पड़ता है कि कहीं कोई उन पर आकर अटैक ना कर दे। एक दिन मिस्टर जोन्स और उसके मैन आकर अटैक करते हैं, तो जो स्नोबॉल है वो अपनी सेना को गाइड करता है और उसके बाद वो उन्हें हरा देते हैं और फिर उन्हें भगा देते हैं। नेपोलियन का नेचर धीरे धीरे चेंज होने लगता है और वो स्नोबॉल से जेलसी फील करने लगता है। स्नोबॉल एक दिन अपना प्लान बताता है कि वो एक विंडमिल सेटअप करना चाहता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी वाली प्रॉब्लम उनकी दूर हो जाए, और इस प्लान पर वो काम करना चाहता है। तो नेपोलियन उसका विरोध करता है, वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है और उसके प्रोजेक्ट को वो मना कर देता है, और उसके बाद उसे भी वो वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद वो अदर एनिमल से कहता है कि स्नोबॉल जो है वो एक ट्रेटर है और वो यहाँ से भाग गया है, उसने हमें धोखा दिया है। उसके बाद वो जो विंडमिल वाला प्लान था स्नोबॉल का, वो खुद ही उस प्लान पर काम करने वाला होता है। वो सभी एनिमल्स को उसके बारे में बताता है और ये भी बताता है कि ये जो प्लान है वो उसका है, यानी नेपोलियन का है, और स्नोबॉल ने उसे चुराया था, जबकि वाकई में ये जो प्लान था वो स्नोबॉल का था। तो नेपोलियन यहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी दिखाता है, वो लीडर बन जाता है और सभी को उसके आगे सरेंडर होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो कोई भी उसका ओबे नहीं करता, आज्ञा नहीं मानता, जैसे स्नोबॉल को उसने भगाया था, तो जो उसने अपने डॉग्स ट्रेन किए थे उन डॉग्स को उसने स्नोबॉल के पीछे छोड़ दिया था और उसे वहाँ से भगा दिया था। तो अब सबको डर रहता है कि अगर कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट जाएगा तो वो उनके पीछे डॉग्स छोड़ देगा, इसलिए सब उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं और अब उन्हें नेपोलियन के अंडर में काम करना पड़ता है। अब नेपोलियन ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगता है जो कि जो सेवन उनकी कमांडमेंट्स थी जो उन्होंने बनाई थी एनिमल्स के लिए, उनके अगेंस्ट में चला जाता है। यानी कि जो सेवन कमांडमेंट्स एनिमल्स के लिए बनाई गई थी वो उसे फॉलो नहीं करता। अब पिक्स क्या करती है, वो बेड पर सोना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि जो जोन्स का घर है वो उसमें चले जाते हैं और उसके बेड पर सोना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से वो जो फोर्थ कमांड थी कि नो एनिमल सेल स्लीप इन अ बेड, इसके अगेंस्ट चले जाते, इसको वायोलेट कर देते हैं वो। एक बार फिर क्या हुआ कि एक सीवियर स्टॉर्म आया, तूफान आया बहुत भयंकर, इससे वो विंडमिल जो उन्होंने बनाई थी वो गिर जाती है और सभी एनिमल फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, इतनी मेहनत से उन्होंने बनाई थी और उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो गई। तो नेपोलियन भी इसमें एक झूठ बोलता है कि ये स्टॉर्म ने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है बल्कि स्नोबॉल ने इसको डिस्ट्रॉय किया है, वो पास के फार्म में छिपा हुआ है और वो हमें परेशान करना चाहता है, मतलब उसको एक ट्रेटर का नाम दे दिया था। लेकिन कोई भी उसके अगेंस्ट बोल नहीं पाता नेपोलियन की, क्योंकि अब सब नेपोलियन से डरते हैं और जो कोई भी उसके अगेंस्ट जाता है नेपोलियन की तो वो उसे मार देता है, यानी जो उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। और इस तरीके से वो सिक्स्थ रूल जो था कि नो एनिमल शैल किल एनी अदर एनिमल, इसको भी वायोलेट कर देता है। अब नेपोलियन क्या करता है, मैन के साथ, ह्यूमन के साथ में वो डील करना शुरू कर देता है। वो जो प्रोड्यूस करते हैं या जो टिम्बर है वो उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। और वो टिम्बर को उनका एक पड़ोसी नेबरहुड में रहता है एक फार्मर है फ्रेडरिक, उसको वो सेल करना शुरू कर देता है और फ्रेडरिक उसको कैश में पेमेंट भी देता है। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो पेमेंट उसने कैश दिया था, जो नोट्स दिए थे, वो सब नकली नोट्स थे। जब उन्हें पता चलता है नकली नोट्स थे, तो नेपोलियन क्या करता है, पिलकिंगस्टन से मिलकर वो फ्रेडरिक को वहाँ से भगाना चाहता है। उसका पिलकिंगस्टन का सपोर्ट लेता है फ्रेडरिक के अगेंस्ट में। तो फ्रेडरिक और उसके मैन आते हैं फार्म पर अटैक करने और वो विंडमिल को डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। और ये जो बैटल का जो नाम दिया गया है, इस बैटल को नाम दिया गया है बैटल ऑफ द विंडमिल, ये विंडमिल का बैटल था। लेकिन एनिमल्स फिर से एक साथ मिलकर उनको भी वहाँ से भगा देते हैं, हालांकि कुछ एनिमल्स उसमें मारे भी जाते हैं।
अब पिक्स क्या करते हैं, पिक्स अल्कोहल पीना शुरू कर देते हैं, वो ड्रिंक करना शुरू। एनिमल्स मोर एंड मोर प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन वो सारा कहाँ जा रहा है, सेल हो रहा है। नेपोलियन डिक्टेटर जो बन गया है वो सारी चीज़ें सेल करने लगा है। अब वो क्या जो मैन है उनसे उसने हाथ मिला लिया है, मैन के साथ उसने रिलेशनशिप बना ली है। अब वो क्या करता है, मैन को एंटरटेन करता है, मैन के साथ में बिजनेस करना उसने स्टार्ट कर दिया है। यानी कि पहले जो उन्होंने अपना जो ड्रीम बनाया था, जो ड्रीम था कि मैन को यहाँ से भगाना है, उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, उन्हें रूल नहीं करने देना है, मैन हमारे एनिमी हैं, वो सब भूलकर अब जो पिक्स हैं उन्होंने मैन को ही अपना साथी बना लिया है। उनके साथ में वो डील करते हैं, उनके साथ वो कार्ड्स खेलते हैं, उनके साथ वो ड्रिंक करते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स भी नेपोलियन की प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी के लिए, कि वो बहुत अच्छा लीडर है जो एनिमल्स पर इस तरीके से वो एनिमल्स को लीड करता है। अब जो अदर एनिमल्स हैं उनको ठीक से खाना नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से, और जो पिग्स हैं वो खूब मोटे हुए जा रहे हैं, वो मतलब अच्छे से खाते पीते हैं, और बाकी का वो सेल करते हैं, अदर एनिमल्स को ठीक से वो खाने के लिए नहीं देते हैं। अब जो पिग्स हैं वो मैन को इमिटेट करना भी उन्होंने शुरू कर दिया, उनके एक्शंस को, उनके बिहेवियर को, हर चीज़ को उन्होंने इमिटेट करना स्टार्ट कर दिया है। और सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग चीज़ क्या है कि वो अब 2 लेग्स पर वॉक करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, जबकि जो उनका कमांडमेंट था कि जो 2 लेग्स पर वॉक करते हैं वो उनके एनिमी हैं, लेकिन अब पिग्स ने ही 2 लेग्स पर वॉक करना शुरू कर दिया है और विप लेकर वो वॉक करते हैं, और इस तरीके से वो अपने 7th principle को वायोलेट करते हैं। और जो उनका 7th principle था कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, उसको चेंज कर दिया गया और उसकी जगह क्या हो गया कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, इसको चेंज कर दिया 7th commandment जो उनका था। अब जो अंदर का जो सीन चलता है, अंदर क्या चलती हैं, पार्टीज चलती हैं, मैन के साथ में पिक्स पार्टी करते हैं और ड्रिंक करते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, अदर एनिमल्स बाहर से विंडो से इस सीन को देखते हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन ह्यूमन बीइंग है और कौन पिग है। जो पिग है क्या वो ह्यूमन बीइंग है, या जो ह्यूमन बीइंग है क्या वो पिग है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं वो उनमें। तो ये जो स्टोरी है एनिमल फार्म की, ये स्टोरी आप ध्यान रखिएगा, जो कुछ मेन पॉइंट्स इसमें हैं, इसमें से क्वेश्चंस आपको करेक्टर को लेकर बन सकते हैं, तो ये स्टोरी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा या सुन लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।